एक बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल पीसी से चूंकि इनकार कर रहे हैं इसलिए बीजेपी को आरोप लगाने का मौका मिल गया है। ईडी के नोटिस को आम आदमी पार्टी बीजेपी से जोड़ रही है। जवाब में बीजेपी भी केजरीवाल पर पलटवार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केजरीवाल को ड्रामा करने के बजाय ईडी के सवालों का सामना करना चाहिए। देखिए, राजकुमार आनंद जी का दोष ये है कि वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, पहली बार चुने गए विधायक हैं और आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी अगर किसी के घर पे आपको सर्च करनी होती थी तो कोर्ट से सर्च वारंट की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि अंग्रेज़ भी ये मानते थे कि किसी पुलिस या किसी एजेंसी को अगर आपने हक दे दिया कि वो किसी के भी घर में घुस के जाँच कर ले तो फिर तो दहशत का माहौल होगा हर जगह, इसलिए कोर्ट्स सर्च वारंट देते थे। मगर आज ईडी को किसी कोर्ट के वारंट की ज़रूरत नहीं है, ईडी के अफसर खुद तय करते हैं कि उनको आज किसके घर पर छापा मारना। और खास बात यह है, छापा सिर्फ अपोजिशन पार्टी के यहाँ ही मारा जाता है। अब तक ज़्यादातर राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके मुख्यमंत्री हैं, इनके मंत्री हैं। कितने मंत्री और मुख्यमंत्रियों के आज तक छापा पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी बताए। पी और केजरीवाल जी को समझना चाहिए कि आज धरने और ड्रामे का समय नहीं है, आज अपने दायित्व को निभाने का समय है, जांच में हिस्सा बनने का समय है, विक्टिमहुड कार्ड नहीं भ्रष्टाचार का रिपोर्ट कार्ड देने का समय है। और जो पार्टी का जन्म इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर हुआ, आज वो पार्टी आईएसी से हटकर JFC बन चुकी है, जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन हो रहा है। मतलब सोचिए कि जो लोग कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच, आज जब सुप्रीम कोर्ट राहत नहीं देता, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट राहत नहीं देता, करप्शन के प्रमाण सामने आ चुके हैं, तो कभी अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, कभी विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं और फिर शक्ति प्रदर्शन करते हैं। ये शक्ति प्रदर्शन का नहीं, ये भ्रष्टाचार का भक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वार पलटवार का सियासी दौर तो आप देख ही रहे हैं, जुबानी तीर चल रहे हैं और जमकर चल रहे हैं। और बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा तो कल ही ये कह चुके थे कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी के एक बहुत सीनियर लीडर ने मुझे बताया कि अरविंद केजरीवाल जी को जो ईडी का समन दिया गया है वो पेश नहीं होने जा रहे। उनको पता है कि इस शराब घोटाले के जो सारे सबूत ईडी के पास हैं उनका कोई जवाब अरविंद केजरीवाल जी के पास नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं कि ऐसे में वो सीएम नहीं रहेंगे तो जेल जाएंगे तो क्या होगा, तो अभी ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं ताकि उनकी धर्मपत्नी जी को सारे MLA कहें कि जिनको CM बनाओ, दिल्ली के लोग कह रहे हैं इनको CM बनाओ, ताकि अरविंद केजरीवाल जी ये CM की जो कुर्सी है वो अपनी धर्मपत्नी को दे सकें। इसके लिए अभी वो MLO के अंदर माहौल बना रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, कई MLA मानने को भी तैयार नहीं है, ऐसा आम आदमी पार्टी के एक सीनियर लीडर ने मुझे बताया। और जिस संभावना की बात मनजिंदर सिंह सिरसा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो फिर अपनी पत्नी को वो CM बना देंगे, तो ये तो फिर वापस वही कहानी दोहराई जाएगी जैसे आप या ज़रा याद करिए इतिहास में जाकर, लालू यादव जब चारा घोटाले की वजह से जेल में गए थे तो अपनी पत्नी राबड़ी देवी को वो सत्ता की चाबी सौंप कर गए थे और जेल से वही सरकार चलवा रहे थे, तो क्या दिल्ली में भी ये देखने को मिलेगा, ये आगे की बात है। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें ईडी का अगला कदम क्या होगा, इसके कानूनी पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है।